दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो भगवान को बहुत ज्यादा मानता था। उसे भगवान में इतनी श्रद्धा थी कि बिना मंदिर जाए वो अपना कोई भी काम नहीं करता था। वो पिछले 5-10 सालों से रोज मंदिर जाता, उसके बाद ही अपना बाकी काम करता था। लेकिन एक दिन पता नहीं क्यों उसे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई, तो उसने सोचा कि कमाने से अच्छा है भगवान से मांग लेता हूँ, वैसे भी मैं उनकी बहुत सालों से सेवा कर रहा हूँ। तो व्यक्ति मंदिर में जाता है और भगवान के सामने माथा टेक कर कहता है कि हे भगवान, मेरी लॉटरी लगवा दे। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान तो मेरी बात सुन लेंगे और घर जाते हैं मुझे लॉटरी लग जाएगी। लेकिन पूरा दिन बीत जाता है, उस व्यक्ति को एक रुपया भी नहीं मिलता। वो व्यक्ति अगले दिन फिर मंदिर में जाता है और कहता है कि हे भगवान, मेरी लॉटरी लगवा दे। उसे इस बार विश्वास था कि इस बार तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। वो व्यक्ति घर को जाता है लेकिन उसकी आज भी लॉटरी नहीं लगती है। वो व्यक्ति थोड़ा चिंता में आ जाता है। फिर वो तीसरे दिन मंदिर में जाता है, कहता है कि हे भगवान, मेरी लॉटरी लगवा दे। इतना कहकर चला जाता है। ऐसा करते करते कई हफ्ते बीत जाते हैं, उसको पैसे की जरूरत और पड़ने लगती है। उसके बाद वो व्यक्ति गुस्से में आ जाता है और मंदिर में आकर कहता है कि हे भगवान, तू एक नंबर का ढोंगी है, मैं तुझे अपना सब कुछ दिया, मैंने अपना पूरा जीवन तेरे में लगा दिया, लेकिन मैंने जब तुझसे कहा कि मेरी लॉटरी लगवा दे तो तूने मेरी लॉटरी तक नहीं लगवाई। वो व्यक्ति गुस्से में बहुत ही बुरा भला भगवान को बोलता है। इतने में भगवान प्रकट हो जाते हैं और उस इंसान से कहते हैं कि तुम पिछले एक हफ्ते से आके बस एक ही बात बोलते हो कि लॉटरी लगवा दो, लॉटरी लगवा दो। अरे पहले जाके लॉटरी की टिकट तो खरीद। तो इस छोटी सी कहानी से बस यही सीखने को मिलता है कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद करता है। जैसे ये इंसान भगवान से रोज मांगता था कि मेरी लॉटरी लगवा दो, लेकिन जब लॉटरी की टिकट ही नहीं खरीदेगा तो उसकी लॉटरी निकलेगी कैसे। तो अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपकी मदद करें और आपके हर दुख सुख में साथ रहें, तो आपको भी अपना फैसला खुद लेना पड़ेगा और अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। बाकी आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला वो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताना।